दादा कौन के क्या एज है आपकी? मेरी 72 कमर है। नमस्ते, मेरा मित्र है। इनके अगर स्किल देखनी है, अगर सीखनी है तो प्रॉपरली इनसे सीख सकते। डांसर होता है, कॉमेडियन होती है, रहती है मराठी में उसको, मगर कौन कहाँ साफ ही था। कैसे लगता है आपको हमारे वीडियोस देख के? एक नंबर लगते है। मुझे कभी समझा नहीं यार, अपनी बॉडी को मार के एक्चुअली लोगों से पैसे लेते हैं, मतलब यू नो। हमें नासिक के लिए निकलना पड़ रहा है, पुणे टू नासिक। अभी रोड तो हमें पता नहीं है, लेकिन मौसम तो काफी अच्छा दिख रहा है, रोड भी काफी अच्छे हैं। एक्चुअली में देखा जाए तो पुणे भी 4 बजे तक खुला है, लेकिन एक्चुअली हमें ट्रैफिक बहुत मिला रास्ते में यार। बाहर हमें देखा जाए तो बहुत ट्रैफिक मिला है, बस अभी ऐसे रोड पे ट्रैफिक ना मिले गाइस, क्योंकि हाईवे पर अगर ट्रैफिक में अटके 1 घंटा तो कहीं नहीं गए ट्रैफिक से निकलते हुए। अभी तो ट्रैफिक खाली है, होप सो हमें रोड खाली मिले पूरे आगे। एक्चुअली मैं सोच रहा था कि बाइक से राइड करूँ, राइड की राइड हो जाएंगे, मीटिंग की मीटिंग हो जाएंगी, पर लेकिन नहीं कर सकता क्योंकि बारिश का कोई पता होता नहीं होता है, बहुत अपने मन से आ जाती है, तो इसलिए बारिश से प्रॉब्लम हो सकती है। लास्ट टाइम हमें औरंगाबाद से काफी प्रॉब्लम हुई है बारिश से, लेकिन अभी रोड तो खाली है, काफी स्पीड मेंटेन करते हुए पहुंचते। हालांकि देखा जाए तो हाईवे पे ट्रैफिक अच्छा था, लेकिन और मौसम भी अच्छा। बाल भी कट्स करने हैं यार, हेयर कट भी करनी है, आगे जाके पुणे वापस पहुंचेंगे। अब देखेंगे रात तक, नहीं तो कल पहुंचेंगे गाइस। देखते हैं पहुंचने के बाद में, चलो बहुत सारा काम है वो कंप्लीट करें। पॉसिबल कैसे क्या होगा ऐसा कुछ एक गॉगल है, मुझे तो कुछ ठीक नहीं लग रहा है, लेकिन देखते कैसे। नासिक 147 किलोमीटर। खराब रास्ते के बाद में पानी में नासिक पहुंच गए। नासिक पहुंच के देखते गए, ये मंदिर गए थे, मंदिर में टिका लिया। ऐसे कुछ गलियों से गुजरने के बाद में ये लोकेशन है जहाँ हमारी आज मीटिंग है। मीटिंग करते फिर निकलना है पुणे के लिए गाइस वापस फटाफट। चलिए तो गाइस मीटिंग कंप्लीट हो चुकी है, और देखा बहुत गर्मी है इधर, एक्चुअली मेरा पसीना पसीना पहले ऐसा कुछ जैसे भी है। अभी फटाफट पुणे निकलते गए, 4:30 बज रहे, पहुंचने में 9-10 बज जाए। अच्छी हुई मीटिंग, आने वाले टाइम में आपको इतनी गर्मी, एक्चुअली पूरे नासिक में इतनी गर्म मैंने पहली बार देखा, एक्चुअली इतना गर्म पूरा पसीना आ रहा है मुंबई जैसे, देखिए ऑयली ऑयली फेस हो चुका है पूरा। फटाफट निकलते बॉस, चलो फटाफट पहुंचा दो पुणे। यस सर जी, पहले एसी ऑन करो, रास्ते में अगर कॉफी मिलेगी ना, कॉफी के लिए रोकना बोला। यस सर। कॉफी तो मिली नहीं, लेकिन बेल खाने में मजा आ गया कि फेमस बेल है। ये ऐसे कुछ बेल के पैकेट्स हैं, कुछ मीठा हो जाए, टेस्टी है। एक्चुअली बिल पे ज्यादा मिर्ची होगी इसलिए मीठा कुछ खाना। अभी कार में सीएनजी डालने, सीएनजी की भीड़ देख सकते हो, लाइन लगी है। यू नो व्हाट, पुणे से नासिक का रूट तो काफी अच्छा है, लेकिन पब्लिक आ रही है, इतनी भागती है ना कि अपन स्पीड मेंटेन नहीं कर सकते। अभी 40 किलोमीटर पुणे है, बस पहुंचते हैं। सीएनजी हो रही है, लोड हो रही है, काफी ह्यूमिडिटी भी आज गर्म बहुत है यार। एक्चुअल में बीच बीच में छोटे मोटे गांव आते हैं ना गाइस, तो उसमें पता है पब्लिक ऐसे बीच में आ जाती है गाड़ी के, क्योंकि अगर 2-व्हीलर vs 4-व्हीलर हो रहा है तो प्रॉब्लम 4-व्हीलर पे आती है गाइस। खैर मीटिंग वीटिंग अच्छी हुई, सब बढ़िया हुआ है। अभी आने वाले टाइम में आपको बताऊंगा गाइस कुछ टाइम बाद। सीएनजी वर्सेस पेट्रोल में सीएनजी की पता है, कोई भी कार आप ड्राइव कर रहे हो चाहे कितनी भी अच्छी हो, सीएनजी का फर्क पता चलता है पिकअप में, रनिंग के टाइम पे एक्चुअली में पता चलता है। अगर कोई आप चढ़ाव वड़ाव चल रहे हो माउंटेन वाउंटेन, तो आपको पता चलता है सीएनजी का। एक्चुअली ये डिसएडवांटेज है कि पिकअप का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। कैमरे की बैटरी लो हो चुकी है, अभी डायरेक्ट एक तो बैटरी लो हो जाएंगी, कुछ ब्लॉक करूंगा घर पे जाके बताऊंगा, अभी सीधा लो हो चुकी है, अभी निकलते गाइस। बॉस आते थे थोड़ा बहुत ट्रैफिक मिला, और थैंक यू सो मच गाइस, पिछले कुछ वीडियो में आपने जो प्यार दिखाया उसके लिए थैंक यू सो मच गाइस। बस पहुंच और चलते चलते रात के 9 बज गए हैं, और घर पहुंचने में बस हम और गाइस गणपति पप्पा के दगड़ूसेठ मंदिर क्रॉस कर रहे हैं, बस हमारे सामने मंदिर है। अब
जूनियर दादा का उनके शंकर जादव जी। तो ये देखें सेमी, क्या एज है आपकी? मेरी 72। अरे नमस्कार, ओ मादा मित्र है, लक्षण है। तो ऐसे कॉमेडी मराठी में काफी फेमस पर्सनालिटी है जूनियर दादा खून के। अरे दादा के नाम के जो ओरिजिनल दादा खून के नाम के 8000 शो किए मैंने। काफी काम किया एक्चुअल में इन्होंने। तो अभी इनसे कोई बात करते हैं। 40 फिल्मों में मराठी फिल्मों में काम किया है, बताओ काफी काम। थोड़ा बहुत सीखता हूँ इनसे फिर आपसे बात करता हूँ। और आने वाले लोगों ने सावध रहे तो भाई, आजकल कैसा है कोरोना की वजह से बहुत आदमी तंग आ चुका है ना। कैसे लगता है आपको हमारे वीडियोस देख के? एक नंबर लगता है। एक्टिंग की अगर स्किल देखनी है, अगर सीखनी है तो प्रॉपरली इनसे सीख सकते हैं। कैसे ये देखिए, देखो मैं डांस का एक हद तक डांसर हूँ, मैं कॉमेडियन हूँ, और जो कथक है जो सुतिया रहती है मराठी में उसको जो अभी आपने ऑफ कैमरा किया, आपने जो अभी ऑफ कैमरा किया ना, वो कैमरे पे करके बताओ जो आप कर रहे थे अभी। चलो सखी चलो देख न जी है ब्रिज में तो गोरी साहब, मगर देख सखी सुनो सखी में जल भर जमुना धरती कौन कहाँ से तड़पे आया धड़क नदी क्रांत घाघर फोड़ी सर भर के आगे देखो पीछे देखो कोई सखी जब संग नहीं कितने धर कितने धर कि बताओ गाइस हमें। चलिए वीडियो अगर पसंद आया इस वीडियो चैनल को सब्सक्राइब करिए, मिलते फिर किसी और ब्लॉग में गाइस, तब तक अपना ख्याल रखिए।